सुप्रभात बच्चों, बच्चों मैंने आपको जो पाठ है स्मृति उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करवाए थे 1 से लेकर 4 तक। देखो पांचवा प्रश्न है, पांचवा है सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। पांचवा करवा दिया था शायद, हाँ पांचवा करवा दिया था, 6 to 9 करने थे। छठा है कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक गतिविधि को अपने शब्दों में लिखिए। वैसे तो ये अपने आप लिख लेना, पर देखो कैसे लिखना है। लेखक धोती के सहारे कुएं के बीचों बीच उतरता है, सांप का ध्यान बटाने के लिए वह पैर से मिट्टी गिराता है जिसे देखकर सांप उस पर झपटता है। 5 मिनट तक लेखक जस का तस जैसे का तैसा लटका रहता है। वह चिट्ठियों को उठाने के उपाय ढूंढने लगता है क्योंकि वह भी भयानक जहरीले सांप पर वार करके जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है। जब सांप और लेखक की नजरें आपस में मिलती हैं, तो लेखक डंडे से चिट्ठियों को सरकाता है जिससे सांप उस पर झपटता है, पर अगले ही पल वह मुट्ठी भर मिट्टी डालकर सांप का ध्यान भटकाता है और चिट्ठियां लेकर हाथों के बल चढ़कर ऊपर पहुंचता है। तब जाकर उसकी जान में जान आती है। क्या लिखेंगे? लेखक धोती के सहारे कुएं के बीचों बीच उतरता है, सांप का ध्यान बटाने के लिए वह पैर से मिट्टी गिराता है जिसे देख सांप उस पर झपटता है। 5 मिनट तक लेखक जस का तस लटका रहता है। वह चिट्ठियों को उठाने का उपाय ढूंढने लगता है क्योंकि वह भी भयानक जहरीले सांप पर वार करके जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है। जब सांप और लेखक की नजरें आपस में मिलती हैं, तो लेखक डंडे से चिट्ठियों को सरकाता है जिससे सांप उस पर झपटता है, पर अगले ही पल वह एक मुट्ठी मिट्टी डालकर सांप का ध्यान भटकाता है और चिट्ठियां लेकर हाथों के बल ऊपर चढ़कर पहुंच जाता है। तब उसकी जान में जान आती है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है कि बालकों ने कौन कौन सी शरारतें की हैं। लिखेंगे पॉइंट में लिखना, पहला सर्दियों के मौसम में सायंकाल 3:30-4 बजे तक झरबेरी के पेड़ बेर तोड़ तोड़ कर खाना, पहली शरारत ये थी। दूसरी मस्ती करते हुए धोती में कुछ चने बांध कर भुनवाने ले जाना। तीसरी कुएं जैसी चीज को देखकर आवाज की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा से उसमें पत्थर फेंकना। अगला है कुएं में गिरे सांप को परेशान कर उसकी फुसकार सुनना। कहीं किसी तालाब में पत्थर फेंक कर यह देखना कि कौन कितनी दूर तक फेंक सकता है इत्यादि। कौन कौन सी शरारतें हैं? सर्दियों के मौसम में सायंकाल 3:30-4 बजे तक झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाना, मस्ती करते हुए धोती में कुछ चने बांधकर भुनवाने ले जाना, कुएं जैसी चीज को देखकर आवाज की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा से उसमें पत्थर फेंकना, कुएं में गिरे सांप को परेशान कर उसकी फुसकार सुनना, कहीं किसी तालाब में पत्थर फेंक कर यह देखना कि कौन कितनी दूर पत्थर फेंक सकता है इत्यादि। ठीक है, प्रश्न 8 है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का क्या आशय है? इस कथन का आशय यह है कि कभी कभी परिणाम मनुष्य की सोच के विपरीत निकलता है। हम सोचते कुछ है और होता उसके बिल्कुल विपरीत है। हम अपनी जो योजना बनाते हैं वे हमेशा कारगर नहीं होती क्योंकि परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं और उन्हीं के अनुसार हमारा अनुमान और भावी योजनाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए लेखक ने सोचा था कि वह डंडे से सांप को मारकर अपनी चिट्ठियां लेकर वापस आ जाएगा, लेकिन जब उसने फन फैलाए फुफकारते सांप को देखा तो उसकी सारी योजनाएं और कल्पनाएं धरी की धरी रह गई। ठीक है, इस कथन का आशय यह है कि कभी कभी परिणाम मनुष्य की सोच के विपरीत निकलता है। हम अपनी जो योजनाएं बनाते हैं वे हमेशा कारगर नहीं होती क्योंकि परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं और उन्हीं के अनुसार हमारा अनुमान और भावी योजनाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए लेखक ने सोचा था कि वह डंडे से सांप को मारकर अपनी चिट्ठियां लेकर वापस आ जाएगा, लेकिन जब उसने फन फैलाए फुफकारते सांप को देखा तो उसकी सारी योजनाएं एवं कल्पनाएं धरी की धरी रह
सॉरी नेक्स्ट है नाइन्थ वाला, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति से आशय है कि दृढ़ संकल्प से सारी दुविधा मिट जाती है। हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। उचित दिशा में किए गए कर्तव्य से हमें आत्मशक्ति मिलती है, हालांकि उसका परिणाम तो सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अब हमें परिणाम का पता नहीं, लेकिन अगर हमें परिणाम का नहीं पता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें। कहने का आशय ये है कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है और फल जो होगा वो तो भगवान के हाथ में है। और जब अगर आप कोशिश करोगे तो फल बुरा हो ही नहीं सकता। तो लेखक ने जब एक बार कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकाल लाने का दृढ़ संकल्प लिया तो उसने उसके परिणाम की चिंता छोड़ दी। कुएं में उतरने और सांप से लड़ने का परिणाम उसने ईश्वर पर छोड़ दिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह कुएं में उतर गया। ठीक है ना, क्या उत्तर लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि दृढ़ संकल्प से सारी दुविधा मिट जाती है। हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। उचित दिशा में किए गए कर्तव्य से हमें आत्मशक्ति मिलती है, हालांकि उसका परिणाम तो सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। लेखक ने जब एक बार कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकाल लाने का दृढ़ संकल्प कर लिया तो उसने उसके परिणाम की चिंता छोड़ दी। कुएं में उतरने और सांप से लड़ने का परिणाम उसने ईश्वर पर छोड़ दिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह कुएं में उतर गया। ठीक है बच्चों, तो अभी आप ये चारों प्रश्न लिख लेना, उसके बाद मूल्यपरक क्वेश्चन दूंगी आपको करने के लिए। ये 6-7 है, ठीक है? तो अभी आप इतना बार कंप्लीट करके कल 3 बजे तक भेज देना, ठीक है बच्चों? ओके।